क्या चाचा, क्या हाल है? क्या नाम हुआ? ध्रुव राम। ध्रुव राम? ध्रुव राम रविदास है। रविदास है। लौरिया में क्या माहौल? लौरिया में माहौल तो है ही, बहुजन समाज पार्टी का ESP का जी। कौन कैंडिडेट है पता है? कैंडिडेट लड्डू सिंह ने, ये थे गुड्डू सिंह है। गुड्डू सिंह, तो गुड्डू सिंह को वोट देना ठीक। मायावती के नाम पर? हाँ, मायावती के नाम पर। मिशनरी आदमी हैं आप लोग बहुजन समाज के? अब आपको खोल कर दिखाने वाला चीज़ है, आकर वहाँ पर देखिएगा तब ना, वहाँ आकर देखिएगा हम लोगों का। आप लोग की बस्ती कहाँ पर? अरे ये बाजार के बगल में है, पूरा रविदास से। पूरा रविदास से कम से 70-80 घर का है सब ये है। हाथी छाप कर देखिए कि वहाँ पर क्या अभी हम जाए माहौल है। अभी तुरंत हम तो जाकर देखिए, हरजन कोल्ली पूछ लीजिएगा या चमार लोग का घर पूछ लीजिएगा, वहीं पर आप पूछ लीजिएगा। जाते हैं हम लोग इस टाइम में, तो कोई से भेंट नहीं होगा, सब मजदूर का रेट है। अच्छा, तो कब मिलेंगे? 8 बजे सुबह में भेंट करिए। अभी रात में? अभी रात में 8 बजे करीब में भेंट कीजिए। यानी कि आप लोग के यहाँ माहौल है बहुजन समाज? अच्छा, समय दीजिए तो हम भी दुकान बंद कर देंगे वहाँ पर। अभी चलिएगा? अभी तो नहीं जाएगा, अभी तो किसी से भेंट नहीं होगा। नहीं होगा, जाने से फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। यानी माहौल हम जानना चाह रहे हैं आप? तो माहौल जानना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे आपके 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 तरफ से जानना चाहते हैं कि आपके मोहल्ले का माहौल क्या? हाँ, तो हमारे मोहल्ले का माहौल ठीक है, हाथी छाप का ठीक है, हाथी छाप का। लेकिन वहाँ पर पहुँचिएगा तो सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक ठीक चाचा, क्या नाम हो अभी आपका? मेरा नाम नाथू राम है। यही जूता पॉलिश करते हैं? हाँ हाँ, मोती का काम करते हैं। रविदास? हाँ जी जी। आप यहाँ क्या चुनाव का माहौल है लौरिया में? भी भाजपा का चुनाव बहुत अच्छा माहौल है। रविदास लोग पूरा? हाँ 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 हाँ। हाथी छाप? हाँ। मैंने कहाँ घर वह कहाँ हुआ? लौरिया बाजार? नहीं, हमारा घर पड़ता है लौरिया पंचायत में 11 नंबर वार्ड में। अच्छा, वहाँ क्या घर है रविदास का? वहाँ लमसम 150 घर है। माहौल 150 एक जगह है और दो भाग में है वो, और एक जगह 150-300 वहाँ दलितों का घर है। पूरा रविदास यहाँ? जी जी, बहुत बढ़िया माहौल है। हम उम्मीदवार के हैं जानते हैं? हाँ जानते हैं, गुड्डू सिंह। कैसा कैंडिडेट, कैसा मिला बस? कैंडिडेट तो बहुत अच्छा है, हम जाना पहचाना आदमी है वो। फील्ड में जाते हैं घूमते हैं? हाँ हाँ। काम करते हैं कैसे? बहुत बढ़िया काम करते हैं। चांस है अपनी बस का? हाँ हाँ। परेशानी है एक, हम लोग का मकान द्वार एकदम उपलब्ध नहीं है। मैंने सरकार से जमीन मिली, सरकारी जमीन 3 डिसमिल 5 डिसमिल, और कोई भी मिलेगा तब ना सर। बरसा दी बाबू लोग, वही हम बरसाई लोग आराम से बरसा दी लोग के बाल बच्चा दी से खाई से बाल बच्चा हम का ए देखा तनी मरई टाटी यही जैसे लोग उजारो तो भगावा का। बस हम रविदास है। हाँ, नीतीश जी जमीन नहीं दी आप लोग को? कुछ नहीं दिया हम लोग, कुछ नहीं मिला है, कुछ ना मिला है। नीतीश जी बोले थे 3 डिसमिल जमीन देंगे, माझी जी बोले थे 5 डिसमिल दलितों को जमीन देंगे जिसके पास जमीन नहीं। नहीं नहीं मिला ना। चुनाव है इस बार अभी? हाँ, तो सर तो किधर वोट दे रहे हैं आप लोग? तो आप लोग सर जैसे हम लोग को बोला तो अपना दिल से बोले किसको दे रहे हैं अब कैसे हिसाब से अभी के लिए आया? अरे यार, यहाँ पर 3 पार्टी है, भाजपा है, मोदी वाला, एगो लालू वाला है लालटेन राजद, एगो मायावती की पार्टी है बसपा। आप लोग इस बार चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं? हाथी छाप जात भाई बानी। अच्छा, चमार बानी, हमने के जात भाई बानी, हमने के दया कर दी, ना नीतीश मदद कैले ना मोदी मदद कैले के ना भाजपा ना विनय बिहारी चकोड़ा दिन बन गए। बहुत तो हम लोग से बहुत घट गए हैं, हम लोग से बहुत पीछे आदमी है। आपसे पीछे या आप लोग को पीछे मानते हैं? हम उनको पीछे मानते हैं, हम वो हम लोग से आगे नहीं है, हमने के कोई चिंता नहीं है, बुझते नहीं है। जो का हम लोग का बस हाथी छाप बहुजन समाज पार्टी, बस हम लोग का सपोर्ट देंगे वो बहुत, बस हम लोग को मायावती देखिएगा, बस हम लोग का वो सपोर्ट चाहिए। गुड्डू सिंह कैंडिडेट, आप जानते हैं कैंडिडेट? हाँ, गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह काम करते हैं? हाँ, अभी मैंने नईखन अभी जीतल तब बेचारे आवे लेन आवे लेन भेंट मुलाकात करे लेन कहे लेन जे जीतम तो हम जौन बुझाई तो हम करें। हाँ, तो मतलब दलितों के घर भी आते हैं? हाँ, तो इस बार मायावती को वोट देना है? हाँ, हाँ भैया बहुत सहयोग। ये भी उधर आइए, दे उधर लाइट नहीं है, इधर आइए। तो कुछ आप ही फल दुकान है? क्या 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 नाम हुआ? गणेश राम। कौन जाते हैं?
राम मने हरिजन है, हरिजन नहीं बोलना, आपको अनुसूचित जाति बोलना है। कोई चमार हम है, ठीक है। इस बार लौरिया विधानसभा क्षेत्र में किसका चांस बनता है, आप लोग को कौन पसंद है? तीन आदमी के बीच में लोग कह रहे हैं कौन जीतेगा कौन जीतेगा, आप देखिए कौन है आपकी नज़र। सब बढ़िया है, जो काम करेगा वो बढ़िया है। पहले एक चीज में हमको गलत लगता है, ब्याह होने का तो बुतरू कैसे पैदा होगा, तो पहले पैदा कर देगा तब ब्याह करेगा, नहीं तो पहले ये बात आप कैसे बोलते हैं, जो बढ़िया करेगा उसको पहले कैसे कर देगा। हाँ। एक लड़की है, तीन लड़का है, जिसका ब्याह करेगा वो बच्चा पैदा करेगा। हाँ। तो पहले पैदा करेगा तब ब्याह करेगा, गलत चीज। हम लोग हम गुड्डू जी का वोट देंगे, आप किसको दुनिया का भाग थोड़ी लिए हमें। अच्छा, गुड्डू जी को मैं वोट दूंगा। क्यों गुड्डू जी? ये हाथी छाप का, हाथी छाप क्यों, हाथी छाप के ही वोट देना हम? क्यों, काहे, वजह बताइए ना। ओजे कौन सवाल है, मायावती पार्टी इसीलिए। मायावती से मतलब थोड़ी है हमारा, अच्छा आदमी है, काम करते हैं, नहीं जीते है तभी कहीं कहीं मदद किया है लोगों का। लौरिया विधानसभा में हमने कुछ रविदास जाति के लोगों से बातचीत करी, और यहाँ जो रविदास जाति के लोग हैं आँख मूंद के कह रहे हैं कि हम मायावती की पार्टी BSP को वोट देंगे। तो हो सकता है कि मायावती अगर यहाँ रैली कर दे तो सीट निकल सकता है यहाँ BSP का। तो सफ़र जारी है, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए बिहार विधानसभा चुनाव के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और आगे भी इस तरह से हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक फॉलो कर लें पेज को। चलते हैं, जय भीम जय भारत।